इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। अंदर की बात बताया है साक्षी महाराज। सारे विरोधी एक साथ मिल जाए तो भी भाजपा ही 300 से ज्यादा सीट जीत करके सरकार। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी की ओर चट चुनौती फेंकी तो आदित्यनाथ ने भी उसे पट स्वीकार कर लिया। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी कम से कम 7 से 8 महीने दूर हैं, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट अभी से लिखी जानी शुरू हो गई है। पूरी कहानी कुछ यूं है। दरअसल AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार और बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी सियासी महत्वाकांक्षा की जड़ों को फैलाने का फैसला कर लिया है, लिहाजा 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान तक कर दिया। लेकिन अपनी राजनीतिक हसरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने सत्ताधारी पार्टी और सत्ताधारी मुख्यमंत्री को ही सबसे बड़ी चुनौती दे डाली। बयान जरा चौंकाने वाला है, लेकिन आज तक के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में CM योगी ने बड़ी सहजता से कहा कि हमें चैलेंज कबूल है, कबूल है, कबूल है। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है। उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आपने ओवैसी और योगी दोनों को सुना, सुनकर अंदाजा लगा लिया होगा कि 2022 के चुनाव में घमासान कितना बड़ा होगा। ओवैसी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं, बिहार चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से दोगुना रहा है और उसी के दम पर ओवैसी अब योगी को ही बेदखल करने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बंपर जीत के बूते योगी किसी चुनौती को दमदार मानते ही नहीं। हालांकि यहां मामला योगी बनाम ओवैसी का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत के दूसरे खिलाड़ी भी इस खेल को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, अपने अपने तराजू पर तौल रहे हैं। अंदर की बात बताया है साक्षी महाराज ने। साक्षी महाराज ने क्या कहा? ओवैसी की वजह से हमें बिहार में फायदा हुआ, ओवैसी की वजह से बंगाल में फायदा हुआ, ओवैसी की वजह से उत्तर प्रदेश में भी फायदा होगा। तो जब भाजपा का एक सांसद वो खुद ही बयान दे रहा है कि ओवैसी हमारे भाई हैं और उनकी वजह से हमारा फायदा होगा, तो आप समझ सकते हैं इन चीजों को। योगी आदित्यनाथ जी मुद्दे को भटका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई अगर चुनौती है तो वो चुनौती है महंगाई, बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश की चुनौतियां दूसरी हैं, योगी आदित्यनाथ जी की और भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां दूसरी हो सकती हैं। यूपी में ओवैसी को उज्जवल भविष्य इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ बंगाल की तरह उनके सामने भाषा की कोई अड़चन नहीं है। यूपी के बड़े हिस्से में AIMIM का कैडर तैयार हो चुका है। यूपी के पंचायत चुनाव में AIMIM समर्थित 22 उम्मीदवार जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं, जबकि 50 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रहे। ओवैसी को पूर्वांचल की मुस्लिम बहुल सीटों में फायदा हो सकता है। जातियों पर प्रभाव रखने वाली छोटी छोटी पार्टियों का साथ भी ओवैसी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ओवैसी को ये भी लगता है कि किसान आंदोलन और ब्राह्मणों की तथा कथित नाराजगी भी योगी को नुकसान पहुंचा सकती है। ओवैसी के मंसूबे बेशक आसमान छू रहे हों, लेकिन योगी का चैलेंज को स्वीकार करने के पीछे भी वजहें कम नहीं। सबसे ताजा सबूत है यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे, जहां 75 सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। और तो और हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में भी योगी के प्रचार ने ओवैसी के गढ़ में कमल खिलाने को मजबूती दी। 2019 लोकसभा चुनाव में भी यूपी में बीजेपी का दमदार प्रदर्शन रहा और यूपी में बड़े विपक्षी दलों के बीच आपसी खींचतान भी योगी को फायदा पहुंचा सकती है। अब ओवैसी ने चुनौती का पासा तो फेंक दिया है और योगी ने अपनी चाल भी बता दी है, लेकिन इसका असल नतीजा 2022 चुनाव में ही दिखेगा। पता चलेगा किसमें कितना है दम। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।